आदित्य L1 की आज सुबह 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए देश का पहला मिशन है आदित्य L1। पृथ्वी से L1 पॉइंट तक का सफर करीब 4 महीने में पूरा करेगा आदित्य। इसरो के वैज्ञानिक इस दौरान हर मूवमेंट पर रखेंगे नजर। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला। बैठक में 5 समितियां बनाई गई। समन्वय समिति में 14 वरिष्ठ नेता शामिल। इंडिया की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रस्ताव पास। साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। समन्वय समिति सुलझाएगी सीटों से जुड़ा हुआ विवाद। सितंबर के तीसरे हफ्ते में इंडिया के नेताओं की होगी साझा रैली। सितंबर के अंत तक होगा सीटों का बंटवारा। राज्य स्तर पर होगा। सीट बंटवारे में मुद्दों का रखा जाएगा ख्याल। विपक्षी गठबंधन की थीम होगी जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमारी मजबूती से सरकार घबरा गई है। अब इंडिया नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र के जालना में हिंसक प्रदर्शन। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की। जालना में प्रदर्शनकारियों ने 8 बसों में लगाई आग। 20 वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। हाईवे पर 2 बाइकों को किया आग के हवाले। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और वीडियो वायरल करने का आरोप। प्रतापगढ़ की घटना पर सीएम गहलोत ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कहा, फास्टैग कोर्ट में केस चलाकर दोषियों को दिलाएंगे सजा। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 2.5 करोड़ रुपए और सोने की ईंट बरामद। G20 को लेकर नई दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 450 कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। NDMC ने बनाया हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। बाखमुत के पास कोस्त्रोमा में रूसी सेना के पैराट्रूपर्स बख्तरबंद गाड़ी समूह ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों की चौकियों पर गोलीबारी करने वाले एंटी टैंक गन को किया तबाह। रूसी सेना ने ज़ापोरिज़्या में बरसाया कहर। 42वें मोटर राइफल डिवीजन ने एक यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को किया तबाह। रूस के आत्मघाती ड्रोनों ने अग्रिम मोर्चे पर यूक्रेनी सेना पर बरपाया कहर। यूक्रेनी सेल्फ प्रोपेल्ड गन को किया तबाह। बेलारूस का दावा, पोलैंड के MI-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने किया सीमा का उल्लंघन। बेलारूस के इलाके में 1200 मीटर तक अंदर आकर भरी उड़ान। रूसी सेना का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी टैंक को किया नष्ट। धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्गिनोवो के एक गांव का किया दौरा। स्थानीय निवासियों से हुए रूबरू। हाथ मिलाकर पूछा हालचाल। हांगकांग में साओला तूफान को लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। दुकानें और स्कूल बंद। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। टाइफून साओला से हांगकांग हुआ तबाह। चीन में आई बाढ़। ग्वांगडोंग में 7,85,155 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिनिक्स में आया भयंकर तूफान। एरिजोना में 30,000 से अधिक घरों और दुकानों की हुई बत्ती गुल। मैरिकोपा के उत्तर पश्चिमी इलाके में आंधी की चेतावनी।